Hello students, welcome to Virat's biology classes. Students, today we are going to study a very interesting topic, that is entomophily or insect pollination. बहुत interesting topic है, ध्यान से समझ कर चलना और इसके जितने भी cases हैं, they are very very interesting और आपको यकीन मानना बहुत मजा आने वाला है. तो देखिए, एंटोमोफिली या इंसेक्ट पॉलिनेशन के केस में जो इंसेक्ट है वो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स करवाएगा फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर. तो देखते हैं कौन कौन से इंसेक्ट इसमें कॉमनली काम करते हैं. तो ज्यादातर बीज, आंट्स, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाई, बग्स, ग्रास हॉपर, बटरफ्लाई, इस टाइप के जो इंसेक्ट्स हैं दे कैरी आउट पॉलिनेशन एंड इन 80% ऑफ द प्लांट्स विच आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट बीज यूज टू वर्क. तो जो हनी बी है या बीज है वो 80% ऑफ द फ्लावर्स में जिनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है उसमें वर्क करती है. तो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कोई अगर इंसेक्ट करवाता है तो वो है बीज. Now we have to study its adaptations. See, अगर किसी फ्लावर को बी को अट्रैक्ट करना है या इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है तो अट्रैक्ट करने के लिए उसे चाहिए लार्ज साइज के फ्लावर्स जो कि ब्राइटली कलर्ड हों, उनकी पेटल्स खूबसूरत होनी चाहिए ताकि वो बीज को अट्रैक्ट या इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके. तो यहां पर जो फ्लावर्स हैं दे शुड बी अट्रैक्टिव. नेक्स्ट, फ्लावर्स ब्लूम्स इन बंचेस इफ दे आर स्मॉल. लेकिन अगर इन केस फ्लावर छोटे रह गए तो वो बंच में रहेंगे ताकि खूबसूरत लगे और इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाए. नेक्स्ट, फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रेग्रेंस टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस नेक्टर इन देयर नेक्टरीज. फ्लावर के अंदर अगर आप देखें तो ओवरी के नीचे वाली तरफ या फिर एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं नेक्टरीज. नेक्टरीज आपको फ्लावर के अलावा लीफ में भी देखने को मिल जाएंगी और फ्लावर में ओवरी के नीचे, पेटल्स के ऊपर कई जगह पर नेक्टरीज मौजूद हो सकती हैं. एंड दे रिलीज अ शुगरी सब्सटेंस कॉल्ड नेक्टर विच इज यूज एज फूड बाय द इंसेक्ट. तो इंसेक्ट्स के लिए एक फूड की तरह काम करता है नेक्टर एंड इट इज शुगरी सिरप एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय नेक्टरीज. और नेक्टरीज ना सिर्फ ओवरी के नीचे बल्कि ये पेटल्स में भी हो सकती हैं, लीव्स में भी हो सकती हैं. तो ये प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में देखी जाती हैं एंड दे आर वेरी वेल नोन टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स. नेक्स्ट, द स्टिग्मा आर लॉन्ग, रफ एंड स्टिकी. जो स्टिग्मा होगा वो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, रफ होगा और स्टिकी होगा. तो स्टिग्मा इज लॉन्ग, रफ एंड स्टिकी टू अट्रैक्ट द और टू हेल्प द इंसेक्ट टू गेट स्टिक्ड अप. नेक्स्ट, फ्लावर्स प्रोवाइड शेल्टर टू द इंसेक्ट. फ्लावर्स जो है वो इंसेक्ट को शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, उनको ओवी पोजिशन प्रोवाइड करते हैं यानी कि एग्स ले करने के लिए सेफ पोजिशन प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन्स आर स्पाइनी, हैवी एंड सराउंडेड बाय अ येलोइश सब्सटेंस कॉल्ड एज पॉलन किट विच इज सिक्रीटेड बाय टैपिटम सेल्स. जो आपने टैपिटल लेयर पढ़ी थी ये उस टैपिटल सेल्स से सिक्रीट होती है. तो जो टैपिटम थी उसके सेल्स से सिक्रीट होगा एक येलो कलर का सब्सटेंस जो पॉलन ग्रेन के ऊपर लगा रहता है और इसको इंसेक्ट से चिपकने में मदद करता है. तो पॉलन किट एक येलो कलर का सब्सटेंस है, केमिकल है
जो चिपका रहता है पॉलन ग्रेन के ऊपर, और जब पॉलन ग्रेन के ऊपर पॉलन किट लगा रहेगा तो वो पॉलन ग्रेन को जुड़ने में मदद करेगा एक इंसेक्ट से। तो पॉलन ग्रेन को स्टिकी कौन बनाता है? पॉलन किट। तो पॉलन ग्रेन्स आर स्पाइनी, हैवी एंड सराउंडेड बाय पॉलन किट। और पॉलन किट क्या है? येलो कलर्ड सब्सटेंस विच मेक्स द पॉलन ग्रेन स्टिकी सो दैट इट मे गेट अटैच विद द इंसेक्ट एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कैपिटम सेल्स। तो आपको अडेप्टेशन में क्या क्या चीजें याद रखनी है? फ्लावर्स आर लार्ज, ब्राइटली कलर्ड। इफ फ्लावर्स आर स्मॉल देन दे आर प्रेजेंट इन बंचेस, दे प्रोड्यूस फ्रेग्रेंस, दे प्रोड्यूस नेक्टर। स्टिग्मा आर लॉन्ग रफ एंड स्टिकी, फ्लावर्स प्रोवाइड शेल्टर्स, पॉलन ग्रेन्स आर स्पाइनी हैवी एंड सराउंडेड बाय पॉलन किट। तो ये अडेप्टेशन आपको बहुत अच्छे से लर्न करके जानी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में मिल सकता है। नाउ वी हैव टू डिस्कस सर्टेन स्पेशल पॉइंट्स, सो लिसन केयरफुली। द फूड प्रोवाइडिंग फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग फूड, फॉर एग्जाम्पल साल्विया एंड बिग्नोनिया। नेक्स्ट, सेक्स प्रोवाइडिंग फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स स्यूडो सेक्स प्रोवाइड करते हैं, सेक्सुअल डिसीट का फिनोमिना लगाते हैं, जो अभी आपको आगे चल के मैं समझाऊंगा। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स ना सिर्फ अपने आप को सुंदर बनाए रखते हैं बल्कि 3 चीजें और देते हैं एज अ फ्लोरल रिवॉर्ड, एंड दोज फ्लोरल रिवॉर्ड्स इंक्लूड्स फूड, सेक्स एंड नर्सरी। नर्सरी मींस इट प्रोवाइड्स सेफ प्लेस टू ले एग्स। और अब पहला इंटरेस्टिंग केस देखते हैं हम साल्विया का। तो बहुत इंटरेस्टिंग केस है, आइए समझें साल्विया के केस को। तो ये हमारे पास एक साल्विया का फ्लावर है, और इस फ्लावर के अंदर हमें जो चीजें देखने को मिलेंगी आपको पहले वो समझा रहा हूं। दीज आर पेटल्स एंड दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ गया एंड दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है साल्विया का, साल्विया इज अ प्लांट ऑफ मिंट फैमिली। तो ये मिंट की फैमिली का प्लांट है और बहुत स्पेशल केस है, ध्यान से समझ के चलिएगा। साल्विया के केस में नॉर्मली जो बायलोब डेंथर होता है उसमें इस तरीके से फिलामेंट अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव। दिस इज लोब 1, दिस इज लोब 2। तो ये एक नॉर्मल बायलोब डेंथर है जिसमें कनेक्टिव की मदद से फिलामेंट अटैच होता है इन द एंथर। तो ये आ गया एंथर विच इज बायलोब्ड एंड हियर वी हैव फिलामेंट। तो इस स्टेमन के अंदर ये एक नॉर्मल बायलोब्ड स्टेमन है जिसमें 2 लोब से फिलामेंट कनेक्टिव की मदद से जुड़ता है। लेकिन साल्विया के केस में ये जो कनेक्टिव है ये काफी लंबा हो जाता है। तो कनेक्टिव गेट्स लॉन्ग, और अगर कनेक्टिव लंबा हो गया तो ये जो 2 लोब्स हैं एंथर की, दिस इज लोब 1, दिस इज लोब 2, तो ये लोब्स सेपरेट हो जाती हैं एंड हियर वी हैव फिलामेंट। तो ये लोब सेपरेट हो गई कनेक्टिव के लंबा होने के कारण। तो बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ध्यान से समझ लीजिए। 2 लोब्स वैसे जुड़ी हुई होती हैं लेकिन यहां पर कनेक्टिव के लंबा होने के कारण दोनों लोब्स अलग अलग हो गई और अब इनसे ये फिलामेंट जुड़ा है। अब देखिए आगे, एक लोब इसमें रहेगी फर्टाइल
और एक लोब रहेगी स्टेराइल, यानी कि एक लोब तो पॉलन ग्रेन बनाएगी, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। जो चीज रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है सक्सेसफुली उसे कहते हैं फर्टाइल, और जो रिप्रोडक्शन में सही से पार्टिसिपेट ना कर पाए विच इज नॉट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस दैट इज कॉल्ड एज स्टेराइल। तो इस एंथर की दो लोब्स में से एक लोब फर्टाइल और एक लोब स्टेराइल। तो मैंने आपको अब तक क्या बताया कि साल्विया के केस में बाइलोब्ड एंथर के अंदर जो कनेक्टिव है वो लंबा हो जाता है, जिस कारण एंथर की दोनों लोब्स अलग अलग हो जाती हैं और एक लोब फर्टाइल है और दूसरी लोब स्टेराइल है, यानी कि एक लोब पॉलन ग्रेन बनाएगी और दूसरी लोब पॉलन ग्रेन नहीं बनाएगी। तो ये केस था हमारे पास अब तक। तो यहां पर देखिए, दिस इज फर्टाइल एंथर लोब एंड हियर वी हैव स्टेराइल एंथर लोब। तो ये स्टेराइल है नीचे वाली और ऊपर वाली फर्टाइल है। तो अब देखिए आगे का केस, यहां पर आकर के बैठा एक इंसेक्ट। तो यहां पर इंसेक्ट आकर के इस वाली लोब के ऊपर बैठा, स्टेराइल लोब के ऊपर बैठा। तो इंसेक्ट कहां पर आकर के बैठा है? स्टेराइल लोब के ऊपर। जब स्टेराइल लोब पर इंसेक्ट आएगा तो वो इस नेक्टरी से नेक्टर को सक करेगा। तो इंसेक्ट आया है अपना भोजन लेने के लिए। भोजन कहां मौजूद है? नेक्टर कहां मौजूद है? नेक्टरी में। और नेक्टर को इंसेक्ट कहां बैठ करके सक करेगा? ऑन स्टेराइल लोब। तो जो लोब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती एंथर की, इंसेक्ट उस पर बैठेगा और नीचे मौजूद नेक्टरी से नेक्टर को सक करेगा। जब इंसेक्ट नेक्टर सक कर रहा होगा तो ऊपर से जो फर्टाइल लोब है वो यहां से इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स डस्ट कर देगी जो इंसेक्ट पर चिपक जाएंगे। तो फर्टाइल लोब विल डस्ट पॉलन ग्रेन्स ऑन इंसेक्ट। तो बेटा यहां पर अब तक क्या हुआ? इंसेक्ट आया, आकर के वो बैठा स्टेराइल लोब ऑफ एंथर पर और नीचे मौजूद नेक्टरी से नेक्टर यानी कि शुगरी सिरप अपना भोजन लेना शुरू कर दिया। और जब इंसेक्ट अपना भोजन ले रहा होगा तो ऊपर वाला फर्टाइल लोब इसके ऊपर क्या डस्ट कर देगा? पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन किसके ऊपर चिपक गए? इंसेक्ट के ऊपर। और अब जब इंसेक्ट यहां से उड़ करके किसी दूसरे फ्लावर के पास आएगा तो फ्लावर के पास आते समय इंसेक्ट जो पॉलन ग्रेन फर्स्ट फ्लावर से लाया था वो सेकंड फ्लावर के स्टिग्मा पर शेड कर देगा। तो पॉलन ग्रेन्स आर शेडेड ऑन स्टिग्मा ऑफ सेकंड फ्लावर। तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पॉलन ग्रेन्स को कौन लेकर के आया? इंसेक्ट। तो इसीलिए इस पॉलिनेशन को हम क्या बोलने वाले हैं? एंटोमोफिली, यानी कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। और यहां पर पॉलिनेशन किस टाइप का हुआ? क्रॉस पॉलिनेशन, कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पॉलन ग्रेन आया विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। तो सबसे पहले क्या होगा? इंसेक्ट आकर के बैठेगा स्टेराइल लोब पर और फर्टाइल लोब उस पर पॉलन ग्रेन्स को डाल देगी। फिर इंसेक्ट वहां से उड़ करके जाएगा दूसरे फ्लावर के अंदर और जब वो दूसरे फ्लावर पर इस रास्ते से आएगा तो पॉलन ग्रेन्स को किस पे शेड कर देगा? फीमेल पार्ट स्टिग्मा पे, और पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ
साल्विया, जहां पर तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला कि जो एंथर की दो लोब्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग कनेक्टिव। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक लोब स्टेराइल है और एक लोब फर्टाइल है, और इंसेक्ट यहां पर करने क्या आया था, फूड नेक्टर लेने आया था। तो प्लांट ने इंसेक्ट को क्या दिया, फूड, और इंसेक्ट ने प्लांट को क्या दिया, उसको दिया पॉलिनेशन। और इसलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं। एंड दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, जहां पर प्लांट को तो फायदा हुआ पॉलिनेशन के तौर पर और इंसेक्ट को फायदा हुआ फूड मिलने का। तो ये एक टाइप का फ्लोरल रिवॉर्ड है, जहां पर प्लांट ने अपना काम इंसेक्ट से करवा लिया उसको फूड प्रोवाइड करके। तो ये काफी इंटरेस्टिंग केस था। अब ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस हम समझने वाले हैं बाय प्रोवाइडिंग सेक्स। तो देखिए जो सेकंड केस है, दैट इज ऑफ मेडिटेरेनियन ऑर्किड ओफायरस। ओफायरस के केस में जो फ्लावर है उसकी एक पेटल, तो फ्लावर की जो पेटल है इट मॉडिफाइज इट्स स्ट्रक्चर इनटू द फीमेल बी और वास। तो ओफायरस के केस में क्या होगा, जो फ्लावर की पेटल है इट विल बिहेव लाइक फीमेल बी। इसकी स्ट्रक्चर किससे मैच करने लगेगा, फीमेल बी से। और जब यहां पर कोई मेल बी आएगी फॉर स्यूडो पॉपुलेशन, तो मेल बी आई फॉर स्यूडो पॉपुलेशन, मेल बी को क्या लग रहा है कि ये फ्लावर की पेटल नहीं, कोई फीमेल बी बैठी है, तो मेल बी को क्या लगा या मेल वास्प को क्या लगा कि ये फ्लावर की पेटल नहीं है, ये क्या है, कोई फीमेल है। और ये यहां पर मेल सेक्स करने के लिए, स्यूडो पॉपुलेशन करने के लिए आ गई। तो जैसे ही मेल बी फ्लावर के साथ कॉपुलेट करने लगेगी, क्योंकि मेल बी को तो नहीं पता कि उसकी ये कोई फ्लावर है या ये कोई फीमेल बी है, वो तो फीमेल बी सोच करके आई है, तो मेल बी फ्लावर को क्या समझ बैठेगी कि ये फ्लावर नहीं कोई फीमेल बी है, और इसके साथ क्या करने लगेगी, स्यूडो पॉपुलेशन, सेक्स करने लगेगी। और उसी बीच फ्लावर अपने पॉलन ग्रेन्स को किस पर डाल देगा, मेल बी पर। और अब जब ये मेल बी किसी सेकंड फ्लावर के पास जाएगी तो वहां पर जाकर के क्या दे आएगी, ये दे आएगी अपने पॉलन ग्रेन्स जो इसने फर्स्ट फ्लावर से लिए। तो यहां पर भी मेल बी को क्या मिल गया, स्यूडो पॉपुलेशन यानी कि सेक्स करने को मिल गया। और फ्लावर को क्या फायदा हुआ कि उसने अपने पॉलन ग्रेन मेल बी पर डाले और मेल बी ने पॉलन ग्रेन किसके पास पहुंचा दिए, सेकंड फ्लावर, फीमेल फ्लावर के पास। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन हैज अचीव्ड। तो ये सेकंड टाइप का फ्लोरल रिवॉर्ड था सेक्स, जिसमें एक फ्लावर की पेटल फीमेल बी की तरह लगने लगी और वहां पर पॉलिनेशन अचीव हो गया। और ये क्वेश्चन आपके लास्ट यूनिट में भी आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट इज नर्सरी। ये भी एक टाइप का बहुत इंटरेस्टिंग केस है, इसको भी ध्यान से समझिएगा कि यहां पर किस तरीके से युका के अंदर एंड फिग ट्री के अंदर ये पॉलिनेशन अचीव होगा। तो हमारे पास ये आ गया एक
युका प्लांट का फ्लावर? और युका में ये आ गया प्लेसेंटा और ये लगे हैं ओव्यूल्स। अब इस ओवरी के अंदर यहां पर मॉथ फ्लाई से, युका प्लांट के केस में जो मॉथ फ्लाई है उससे होगा पॉलिनेशन। तो एक मॉथ फ्लाई आई, तो ध्यान से देखिएगा युका प्लांट के केस में क्या होने वाला है, जो मॉथ फ्लाई है वो पहले जाएगी मेल फ्लावर के पास। तो ये एक मेल फ्लावर आ गया, यहां पर ये आई फ्लाई, तो मॉथ फ्लाई कहां पर आई है, मेल फ्लावर के पास। तो मॉथ फ्लाई विल अराइव एट द मेल फ्लावर और मेल फ्लावर से ये क्या कलेक्ट करेगी, पॉलन ग्रेन्स। तो यहां पर एक स्पेशल कंडीशन है, यहां पर फ्लाई मॉथ फ्लाई यहां पर पॉलन ग्रेन्स को खुद कैप्चर करेगी विद द हेल्प ऑफ इट्स स्पेशल टेंटेकल्स विच आर प्रेजेंट नियर इट्स माउथ। तो यहां पर क्या किया गया, मॉथ फ्लाई ने पॉलन ग्रेन्स को कैप्चर कर लिया विद द हेल्प ऑफ इट्स टेंटेकल्स। तो जैसे ये एक फ्लाई है और इस फ्लाई ने अपने टेंटेकल्स की हेल्प से पॉलन ग्रेन्स को कैप्चर किया और कैप्चर करके यहां पर ये पॉलन ग्रेन्स की एक छोटी सी बॉल बना लेगी और उसको अपने पास रख लेगी। तो क्या किया, मॉथ फ्लाई ने मेल फ्लावर्स से पॉलन ग्रेन्स को इकट्ठा करा, मॉथ फ्लाई ने पॉलन ग्रेन्स को इकट्ठा करा मेल फ्लावर से और आके बैठ गई और उसकी एक बॉल बना ली। तो ये है बॉल ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। तो पहले मॉथ फ्लाई अलग अलग मेल फ्लावर्स पर घूमती रही और जब मेल फ्लावर्स पर घूमती रही तो वहां से क्या इकट्ठे करती रही, पॉलन ग्रेन। क्या इकट्ठे करती रही, पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन्स जो है वो चिपचिपे थे तो उनकी एक बॉल बना ली और इस बॉल ऑफ पॉलन ग्रेन्स को अपने पास रख लिया। और अब ये फ्लाई कहां आएगी, फीमेल फ्लावर के पास। और फीमेल फ्लावर के पास आने के बाद यहां पर ये ऐसे बैठेगी और बैठ करके यहां पर एक होल क्रिएट कर देगी। तो इस तरीके से एक होल क्रिएट कर दिया ओवरी के अंदर फीमेल फ्लावर की, किसने, मॉथ फ्लाई ने। तो पहले मॉथ फ्लाई ने पॉलन ग्रेन्स इकट्ठे करे, उनकी एक बॉल बना ली, बॉल बनाने के बाद वो फीमेल फ्लावर के पास आई और वहां पर आकर के ओवरी में एक होल क्रिएट कर दिया और होल क्रिएट करने के बाद वो यहां पर अपने एग्स दे देगी। तो मॉथ फ्लाई ने ओवरी में छेद कर दिया, एक गड्ढा बना दिया और उस गड्ढे में क्या रख दिए, अपने अंडे, एग्स रख दिए। और एग्स देने के बाद जो ये बॉल ऑफ पॉलन ग्रेन्स मॉथ फ्लाई ने बनाई थी उससे इस गड्ढे को सील कर देगी। तो ये पॉलन ग्रेन्स इसने कहां पर डाल दिए, उसकी बॉल्स को, इस गड्ढे में। और अब ये पॉलन ग्रेन्स तो पहुंच जाएंगे ओव्यूल के पास। तो यानी कि पॉलिनेशन कैसे हुआ, पहले फीमेल पहले मॉथ फ्लाई ने मेल फ्लावर्स से पॉलन ग्रेन इकट्ठे करे, फिर उनकी बॉल बनाई, बॉल बनाने के बाद वो फीमेल फ्लावर के पास आई और फिर
इस फ्लाई ने यहां पर एक छेद किया, छेद करने के बाद यहां पर अपने एग्स को रख दिया और पॉलन ग्रेन की बॉल से इसे गड्ढे को बंद कर दिया। और अब ये पॉलन ग्रेन्स कहां तक पहुंच जाएंगे? ओव्यूल तक, और यहां पर फर्टिलाइजेशन का काम हो जाएगा। तो यानी कि मॉथ फ्लाई ने अपने अंडे देने के लिए और उनको बचाने के लिए जिस गड्ढे को बंद किया था, जाने अनजाने में उसने किसकी मदद कर दी? इस फीमेल फ्लावर की। कैसे? फीमेल फ्लावर तक पॉलन ग्रेन्स को पहुंचा करके। तो फ्लाई अगर प्लांट की मदद कर रही है तो क्या दे रही है उसको? पॉलिनेशन। और ये फ्लावर इसको क्या दे रहा है? इसके एग्स को एक सेफ जगह दे रहा है जहां पर इस फ्लाई के एग्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो यूका के केस में भी बहुत बड़ा फायदा मिला किसको? प्लांट को भी और फ्लाई को भी। फ्लाई विल गेट ओवी पोजीशन, दैट इज सेफ प्लेस टू ले एग्स। फ्लाई विल गेट ओवी पोजीशन, दैट इज सेफ प्लेस टू ले एग्स, एंड फ्लावर विल गेट पॉलिनेशन। सो बोथ आर प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू ईच अदर। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज म्यूचुअलिज्म। तो काफी इंपॉर्टेंट केस है। तो मॉथ फ्लाई का केस भी आपने देख लिया, और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता भी है। और जब ये मॉथ फ्लाई, इसके एग्स हैच होंगे, तो हैच होने के बाद ये क्या करेंगे? ये यहां से इनका लार्वा जो है वो निकल के कुछ सीड्स को भी खा सकता है और फिर यहां से बाहर जा सकता है। सीड्स बहुत ज्यादा बनेंगे और जबकि जो लार्वा होंगे वो बहुत कम होंगे। और यहीं पे आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब फ्लाई यहां से अपने एग्स दे करके जाती है, तो जाते समय यहां पर एक केमिकल जिसको हम कहते हैं फेरोमोन, ये डाल करके चली जाती है। तो फेरोमोन डाल करके यहां पर ये फ्लाई चली जाएगी, और जब यहां पर ये केमिकल आ जाएगा और अगर यहां पर कोई और फ्लाई आकर के अंडे देने की कोशिश करे इस फ्लावर पे, तो वो इस केमिकल को पहले पहचान लेगा और उसे पता चल जाएगा फ्लाई को कि यहां पर कोई और फ्लाई आकर के अपने एग्स देके जा चुकी है, तो वो इस वाले फ्लावर में होल क्रिएट नहीं करेगी, इट विल मूव टू सम अदर फ्लावर। तो था ना बहुत इंटरेस्टिंग। तो क्या था? अगर एक फ्लाई ने अंडे दिए तो वो फ्लाई यहां पर फेरोमोन नाम का केमिकल डाल के चली जाएगी ताकि दूसरी फ्लाई को ये पता चल जाए कि इस फूल में पहले ही एग्स दिए जा चुके हैं, और ये वाली फ्लाई फिर किसी और फ्लावर को सर्च करेगी, इस वाले फ्लावर को अब ये नहीं छेड़ेगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनाज हैं ये नेचर के, जो आपको पता होने चाहिए। लेकिन हमें इस फिनोमिना पर एग्जाम में नहीं लिख करके आना है, वी हैव टू राइट दिस ओनली। और वहां पर हम क्या लिखेंगे? द फ्लाई विल गेट सेफ पोजीशन टू ले एग्स एंड फ्लावर विल गेट पॉलिनेशन एंड दे हैव म्यूचुअलिज्म टाइप ऑफ रिलेशनशिप। द नेक्स्ट केस इज ऑफ फिग। ये भी काफी इंटरेस्टिंग केस है फिग का, तो इसको भी देखिएगा। तो फिग के केस में हमारे पास एक स्पेशल टाइप का इनफ्लोरेसेंस होता है विच इज नोन एज हाइपेंथोडियम। तो हाइपेंथोडियम टाइप का इनफ्लोरेसेंस होगा इन केस ऑफ फिग प्लांट। यहां पर क्या होगा? ऊपर लगे हैं ये मेल एंथर्स या मेल फ्लावर्स,
सो दिस इज मेल फ्लावर पार्ट. तो ये मेल पार्ट हो गया. यहां पर नीचे मिलेगा हमें फीमेल पार्ट. तो ये आ गए फीमेल फ्लावर्स. दिस इज फीमेल फ्लावर. और इन फीमेल फ्लावर्स के बीच में एक स्पेशल टाइप के फ्लावर्स होंगे विच आर नोन एज गॉल फ्लावर्स. सो दीज आर गॉल फ्लावर्स. तो ऊपर मेल फ्लावर्स आ गए या मेल पार्ट आ गया, नीचे फीमेल और फीमेल के नीचे गॉल. एंड इट इज दिस गॉल फ्लावर इज स्टेराइल, यानी कि इसका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है. तो हमारे पास फिग प्लांट में हाइपेनथोडियम इनफ्लोरेसेंस है जिसमें ऊपर की ओर मेल फ्लावर, नीचे की ओर फीमेल फ्लावर, और ये आ गए स्टेराइल फ्लावर कॉल्ड एज गॉल फ्लावर्स. यहां पर क्या होगा, जो हमारे पास बी है या वास्प है वो ऊपर से जब नीचे की ओर आएगी, जब फ्लाई ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो यहां पर फ्लाई पर क्या डाल दिए जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स. और जब फ्लाई नीचे आएगी तो फ्लाई क्या करेगी, उन पॉलन ग्रेन्स को फर्टाइल फीमेल फ्लावर्स को दे देगी. तो क्या हुआ, ऊपर से मेल पार्ट ने पॉलन ग्रेन्स डाल दिए वास्प पर या फ्लाई पर, और जब ऊपर से वास्प या इंसेक्ट नीचे आएगा तो नीचे आते समय वो पॉलन ग्रेन्स किसको दे देगा, फर्टाइल फ्लावर्स को दे देगा. और उसके बाद वो कहां पहुंच जाएगा, नीचे गॉल फ्लावर्स के पास. और गॉल फ्लावर्स के पास आने के बाद इंसेक्ट यहां पर क्या दे देगा, अपने एग्स. तो इंसेक्ट ने अपने एग्स को कहां पर डाल दिया, गॉल फ्लावर के पास. और जब इंसेक्ट अपने एग्स को गॉल फ्लावर पर डालेगा तो उस टाइम आते समय वो पॉलन ग्रेन्स किसको दे देगा, फर्टाइल फ्लावर को. और इस तरीके से यहां पर पॉलिनेशन अचीव हो जाएगा. फिर जब इस इंसेक्ट के यहां पर एग्स में से हैच होने पर लार्वा निकलेंगे, सो दीज लार्वे विल फीड ऑन दिस गॉल फ्लावर. तो काफी इंटरेस्टिंग केस है, ऊपर मेल फ्लावर, नीचे फीमेल फ्लावर, और यहां पर गॉल फ्लावर्स विच आर स्टेराइल. तो ऊपर से वास्प जब नीचे आ रहा था तो वास्प के ऊपर मेल पार्ट ने क्या डाल दिया, पॉलन ग्रेन. वास्प ने वो पॉलन ग्रेन किसको दे दिए, फर्टाइल फीमेल फ्लावर्स को. फिर उसके बाद यहां पर नीचे वास्प आया और क्या देने लगा, अपने एग्स. जब अपने एग्स देगा तो एग्स किसके बीच में देगा, गॉल फ्लावर्स के बीच में. और एग देते टाइम फिर जब एग मैच्योर हो जाएंगे, और मैच्योर होकर के जब एग हैच करेगा तो हैच करने से उसमें से क्या निकलेगा, लार्वा. और वो लार्वा किसको खा जाएगा, गॉल फ्लावर को. और यहां पर इसको वास्प को, इंसेक्ट को क्या फायदा मिला, सेफ पोजीशन मिल गई एग देने के लिए, और इसके बच्चों को फूड भी मिल जाएगा. और फ्लावर को क्या फायदा होगा, प्लांट को क्या फायदा होगा, कि इसका पॉलिनेशन अचीव हो जाएगा. तो आज आपको तीन बहुत इंटरेस्टिंग केस बताए, एक फूड के लिए, एक सेक्स के लिए, और एक नर्सरी के लिए. तो होप आपको यह समझ आ गया होगा. थैंक यू.